नमस्कार दोस्तों ड्रीम टू तो सक्सेस ऑनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों जैसे कि ड्रीम टू तो सक्सेस ऑनली सक्सेस ने कहा था कि मेरी पिछली वीडियो भी चेक कर लेना आप ब्रेकिंग न्यूज़ की भी चेक कर लेना और सारी वीडियो चेक कर लेना जो कि बेंगलोर की टिप्स दी थी डरबी की भी टिप्स दी थी ठीक है दोस्तों और मेरे ख्याल से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे खुश होंगे सबसे पहले उन सभी भाइयों का बहुत बहुत थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज हमारे साथ चौदह महीने से कंटिन्यूस टिप्स ली और बहुत प्रसन्न हैं खुश हैं और सभी लोग जो भी रूल रेगुलर सिंगल डे की टिप्स ले रहा है वो भी खुश है प्रसन्न है और ऐसा ही आप लोगों की दुआएं आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का बिलीव ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस के ऊपर बना रहे और ऊपर वाले की असीम कृपा है हमारे ऊपर और आशीर्वाद उनका इतना ज़बरदस्त है कि हमारी टिप्स हमेशा हंड्रेड परसेंट पास होती है दोस्तों तो अब दो तीन दिन बचे हुए दो दिन बचे हुए आप लोग बड़े तसली से ब्रेन को वॉश करिए समझिए कि रेसिंग क्या है रेसिंग को कैसे खेलना है और मैं ऑलवेज ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस की तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष है कि ये वीकेंड हम बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और इस वीकेंड में जैसे कि मैं मेरी हर वीडियो में बता चुका हूँ कि नया सीजन में ऐसे घोड़े मारेंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा और आज वैसा ही हुआ और लगातार वैसा हो रहा है दो तीन दिन से क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत कुछ काम कर जाता है दोस्तों तो आते हैं मैसूर में सात रेस का कार्ड बनाया है बीस तारीख को ठीक है दोस्तों तो मेरी बातों का उधर वाई मत लेना क्योंकि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस बिल्कुल जेन्यून चैनल है और आज चौदह महीने पंद्रह महीने चल रहा है पेड तो टिप्स प्रोवाइड कराते हुए किसी की कोई कम्प्लेट नहीं है किसी का कोई शिकवा नहीं है किसी का कोई गिला नहीं है ऑल आर वेल हैप्पी बिल्कुल नोविनल चार्जेस ले रहा था ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस और बहुत अच्छी टिप्स प्रोवाइड कराई और सभी को जानकर हैरानी होगी कि आज मुझे करीब करीब पचास साठ मैसेज आ गए जब रिस्क ख़त्म हो गई कि सर आज आप, आपने क्या टिप्स दी थी वो मुझे बताइए ताकि मैं कल से आपके साथ ज्वाइन हो सकूँ तो दोस्तों पहला सवाल तो मेरा उनसे यही था कि मैं अपनी टिप्स आपको क्यों बताऊँ कि मैंने क्या दी थी जो रेस्को तो ऑलरेडी तो कम्प्लीट होगी अब आप मेरी टिप्स ले करोगे क्या जब आपको टिप्स लेनी थी और आपने डिसाइड किया था तब तो आपने मेरी टिप्स ले ली बट अब क्या करोगे मेरी टिप्स जान के आपको कुछ आने का तो नहीं है कुछ जाने का भी नहीं है बट सच्चाई ये है कि लोग खुद के दुख से इतना ज़्यादा दुखी नहीं है जितना औरों के सुख से दुखी हैं दोस्तों दैट इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ अपने ही अपनों की जड़ें काट रहे हैं यहाँ पर ये दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है जो सच बोलता है ना वो बिल्कुल बेचारा परेशान रहता है और जो झूठ बोलता है वो कामयाब रहता है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता ऊपर वाले की डायरी में सब कुछ लिखा जाता है और वो कहता है जो सच बोलता है ना जीत उसी की होती है दोस्तों और ये सच्चाई है चलो हम आप लोगों की बात मानते हुए बता देते हैं वैसे हमारा कोई हक नहीं बनता कि आपको बताना कि हमने आज क्या टिप्स दी थी बट बता दें दोस्तों आउट ऑफ एट मैसूर आज हमारी एट रेसेस हम बेंगलोर डरवी आउट ऑफ एट एट रेसेस हमारी पास हुई है हमारी नज़रों में हमारे से जितने लोगों ने टिप्स ली सभी प्रसन्न हैं खुश हैं हो सकता है दो चार बोलते हैं ना नेगेटिव ही सोच के लोग वो शायद प्रसन्न ना हो हमसे बिकॉज आजकल कॉपी पेस्ट का बहुत ज़माना है लोग आधे घंटे हम आजकल क्या है टिप्स देने का सिलसिला थोड़ा चेंज कर दें अब से हम आने वाले टाइम में ना आधा घंटे पहले नहीं अब रेस टू रेस भी टिप्स दिया करेंगे क्योंकि हमें मालूम हो गया कि लोग कॉपी पेस्ट चला रहे हैं लोग अपना बिजनेस चला रहे हैं इससे समझदार को इशारा काफ़ी है बाकी सब सारी चीज़ें ड्रीम टू सक्सेस वाले सक्सेस बताना नहीं चाहता अब साथ रेस का कार्ड है मैसूर में पहली रेस मेडन रेस है ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस कहता है कि मेडन रेस छोड़ देना फिर भी आज हम आपको इसमें टिप्स देते हैं बट ये पेड टिप्स नहीं है फ्री टिप्स है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है बट पेड टिप्स के लिए आपको संपर्क करना करेगा ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस के ऊपर तो इसमें आई थिंक रेस छोड़ देना क्योंकि देखो अभी सिलेक्शन भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बोल वाला इसमें किसको देगा अभी और किसको देगा सेकंड और किसको देगा थर्ड अभी कोई सिलेक्शन नहीं है बोल वाले की भी नहीं है किसी की भी सिलेक्शन नहीं है ठीक है तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर टू एम ईश्वर का है और ये शायद बोर्ड पे रहना चाहिए बट ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस कॉन्फिडेंट नहीं बोलता कभी भी किसी को गलत टिप्स नहीं देता दोस्तों ये याद रख लो और एक बात नोट कर लो आप कि आज जो हमने मैसूर की बेंगलोर की टिप्स दी थी पहली रेस में हमने सबको कह दिया था कि ये रेस मत खेलना ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ ये रेस मत खेलना क्योंकि पाँच ही घोड़े हैं क्योंकि तो चार नंबर जो है वो एक साल बाद भाग रहा है ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है या इधर विन होगा या बोर्ड आउट हो जाएगा और बोर्ड आउट हो गया हमारी सेकंड चॉइस पाँच नंबर थी और पाँच नंबर बोर्ड पर रहा सेकेंड रेस में हमने सबको कहा था ये आप लोग पूछ रहे तो बता रहा हूँ अब बात अलग है कि कोई इसको कैसे भी ले ले ईगो हट मत करना भैया क्योंकि आपने बहुत सारी टिप्स देखी है ना आज तक और देख ही रहे हो और हार रहे हो भी जीत रहो मुझे नहीं मालूम बट ऑल आर लेकिन ड्रीम टू सक्सेस ऑनली सक्सेस के बारे में एक चीज़ आप याद रखना कि वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा और हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचता है कोई गलत बोलता है ना उसको कोई गलत लिखता है कोई गलत बोलता है कोई गलत चीज़ें करता है उसके साथ तो भी वो उसका रिप्लाई पॉजिटिव में देता है लेकिन जो जैसा करता है ड्रीम टू सक्सेस वाली सक्सेस को मालूम है वो वैसा ही भरता है और उसके साथ वैसा ही होता है आप आईने में शक्ल देख करके देख लेना अपने को याद कर लेना आपने अगर अच्छा किया है तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा बुरा किया तो बुरा होगा दैट इज़ टूथ ऑफ लाइफ सच्चाई की हमेशा जीत होती है सेकेंड हमने कहा था थ्री प्लेस खेलना ये हमारी गुड बेट है विम नई थ्री को प्लेस ही खेलना विन प्लेस लिखा था हमने लेकिन हमने कह दिया था कि प्लेस आपको अच्छी मिलेगी प्लेस खेलना ये भूढ़ा बोर्ड पर रहेगा भूढ़ा बोर्ड पर था और सेकंड थर्ड दोनों ही बोर्ड पे थी टेन इसमें जो रिजल्ट हुआ वैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ड्रीम टू सक्सेस ऑफिस सक्सेस देता है जैसा साथ में फ्रूफ भी देता है बड़े फ्रूक तो चार घूड़े देता है चार के चार बोर्ड पर रहते हैं कभी कभार किसी रेस में उड़ जाती है लेकिन आउट ऑफ अगर नाइन रेस है तो एट रेस पक्का आती है एक आध उड़ जाती है बात अलग है क्योंकि फेवरेट कभी कभी खा जाता है फिर उसके बाद थर्ड रेस थर्ड रेस में ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस ने कहा था ये मेडन रेस है इसको मत खेलना छः नंबर गुड बैठ है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ये गुड बैट है छः नंबर की प्लेस दी है राउडी उसके खेल लेना लोगों ने खेला भाव अच्छे थे सिंगल चॉइस की बात कर रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो सारी आई वो छोड़ दो थर्ड फोर्थ रेस हमने कहा था यहाँ से जैकपॉट शुरू हो रहा है और हमारी सिंगल चॉइस में आठ नंबर था आठ नंबर विन हुआ आठ के भाव से ठीक है दोस्तों और फर्स्ट सेकेंड थर्ड छोड़ दो सिंगल चॉइस की बात कर रहा हूँ आपसे वो भी वोड पे थी जिसने खेली होगी फिफ्थ रेस फिफ्थ रेस में हमने कहा था दो नंबर हॉट फेवरेट रहेगा लेकिन बोल नहीं सकते ये फर्स्ट होगा या सेकंड होगा लेकिन सिंगल चॉइस में दे रहे हैं प्लेस मिले तो खेल लेना प्लेस भी सत्तर अस्सी पैसे थी शुरू में लोगों लो ने खेला हुआ थीक। थीक। तो ठीक ठीक तो कितनी रेस हो गई पाँच पाँच की पाँच पास हो गई हमारी नोट करना डायरी में सिक्स रेस क्योंकि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस दोस्तों से पोलाइटली मत लेना क्योंकि ये बिल्कुल सच्चा चैनल है और जो भी बोलता है ना स्पष्ट बोलता है आएगा तो यस बोलता है नहीं आएगा तो नो बोलता है हारेगा तो भी बताता है जीतेगा तो भी बताता है सिक्स रेस डरबी रेस थी ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस ने कहा था यार ये डरबी रेस है ये हमारी गुडबैट नहीं है लेकिन गुड गुडबैट देते हैं लेकिन ये गुडबैट नहीं है क्योंकि डरबी में बहुत बड़ा मुकाबला है और आपको भी दिया था हमने यूट्यूब के चैनल पर कि एक नंबर सूरज नारायणू सात नंबर वंस यू कम ब्लैक यही विन होना चाहिए तो लेकिन सूरज का घोड़ा एंड टाइम पे विथड्रॉ हो गया और हमने भी हमारी सिंगल चॉइस में सोचा कि फिलोसफी या सूरज या फिर किंग्स रामसन आपको भी वैसे ही दिया था ना हमने भी यहाँ पर वैसे ही दिया था सेवन इलेवन और ट्वेल्व टूवेल्व को हमने सिंगल चॉइस में दे दिया लेकिन उसके बाद भी हमने कहा था कि ये हमारी गुड डेट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लूक है लेकिन वो बहुत बड़ा ही हो जाता है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ वो है सुपर नेचुरल हॉर्स नंबर नाइन लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि नाइन विन हो गया और नाइन हमारी टीम में फिफ्टी परसेंट लोगों ने खेला नाइन और इलेवन को बहुत लोगों ने खेला क्योंकि हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही थी ठीक है दोस्तों अब मैं इतनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ ये सच्चाई इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि हमने जो कार्य किया है ना इन चौदह महीनों के दौरान मुझे मालूम है कि मैंने कितने लोगों की कि कितनी बातें सुनी है व्हाट्सअप पे और कितने लोगों का बातें मैंने सही है लेकिन आज वही लोग हमारे से दोबारा टिप्स लेने की कोशिश करते हैं लेकिन मैसेज करते हैं लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि यार तुम तुम्हारा पिछला तो पहले क्लियर करो क्योंकि ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस कभी किसी को भूलता नहीं है दोस्तों जो सच है वो सच है और कभी भी कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है कभी भी किसी से कोई पैसा लेन देन नहीं किया है कभी भी हमारा कोई ग्रुप नहीं है कुछ नहीं है हम ओनली टिप्स के टाइम लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं आइदर वो जीतने तो कितने ही जीतने दो बिल्कुल नमिल चार्ज में हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि आपने क्या जीता क्या हारा हम अपने काम पे भरोसा रखते हैं बस उसी पे बिलीव करते हैं फिर उसके बाद सेवन्थ रेस हमने कह दिया दो नंबर सूरज अगर सिक्स से सिक्स में नहीं मारा तो दो नंबर सेवन मारता सेवन में लेकिन वो सेकेंड हो गया लेकिन हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों चॉइस ही थी आई रेस नंबर इसमें सेवन में अब लास्ट रेस ये भी हमारी गुड बैट थी लास्ट रेस क्योंकि टेन यहाँ पर विन हो गया और लास्ट रेस लास्ट रेस में हमने सेवन की प्लेस दी थी सिंगल चॉइस की बात कर रहा हूँ और फर्स्ट चॉइस थी हॉर्स नंबर वन सेकेंड चॉइस और थर्ड चॉइस थी सेवन हमने सिंगल चॉइस में सेवन दी थी और बोला था एक गुड बैट है जितना मर्जी खेल लेना लेकिन हमने कहा था कि वन नंबर अगर विन खेलनी है क्योंकि इसका एक विन पेंडिंग है इसे आप खेल सकते हो कई लोगों ने वन खेला कई लोगों ने सेवन खेला जिसने जो खेला वो जीता यार अब यार आठ की आठ हो गई लेकिन मैं मानता हूँ कि डर भी लोगों ने नहीं खेली होगी पहली रेच भी नहीं खेलोगी बाकी छः तो कन्फर्म खेली होगी यार और हमारी गुड बैट कौन सी थी गुड बैट कौन सी थी हॉर्स नंबर टू थ्री फोर नहीं थी फाइव नहीं थी फाइव फिर उसके बाद सेवन और एट पाँच गुड बैट दी थी पाँच की पाँच बोर्ड पे थी चाहे वो बीस पैसा प्लेस रहने दो यार गुड बैट का मतलब क्या होता है घोड़ा बोर्ड से आउट नहीं होना चाहिए घोड़ा बोर्ड से आउट नहीं था फिर भी लोग पूछते हैं आपने क्या दिया आपने क्या दिया छोड़ो यार ये सारी बातें होती रही बट सच्चाई आज मुँह से निकल गई आप लोगों के लिए बट मेरे को कोई तुक नहीं बैठता आपको देने का चलो मैं ये कहता हूँ कि मेरी आर्ट की आठ रेस फेल हो गई कुछ भी नहीं आया क्योंकि बहुत असामाजिक तत्व तो भी है ना बहुत नेगेटिव विचार वाले भी लोग हैं अब लोगों ने कैसे खेला नहीं मालूम मैं मेरे चार गुड़े देता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंगल चॉइस फ्लू और बड़े फ्लू कई लोगों ने कहा शुरू में हम नहीं देते थे शुरू में हम सिंगल नहीं देते थे कई लोगों ने कहा सर आप अगर सिंगल सिंगल दे दो ना बेटर होगा हमने सिंगल सिंगल दे दिया तब भी लोगों का मन नहीं भरा लोगों ने कहा सर आप फ्लूक में ना ग्रीन कलर से लिख दो तो बेटर होगा जैसे जैसे लोगों ने कहा वैसे वैसे किया लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों लोगों को आप कितना भी कुछ दे दो लेकिन वो प्रसन्न नहीं होते प्रसन्न नहीं होते और आज बता रहा हूँ हमारी टीम में नाइन्टी परसेंट लोग जो चौदह महीने से टिप्स ले रहे हैं ना वो आज तक ऐसे के ऐसे हमसे टिप्स ले रहे हैं और जब हमने टिप्स लेना शुरू किया था ना तब हज़ार रुपये हमारी फीस थी महीने की और आज तक हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि सर आप हमें फ़ीस दीजिए और आज वो चौदह महीने से ले रहे हैं और वो बिना बोले वो हज़ार रुपये ही उनके लिए है बट आज हमारी टिप्स की कीमत है तीन हज़ार रुपये पर मंथ और पर डे के थ्री हंड्रेड लेकिन अब ये बदल रहा है दोस्तों कल से क्योंकि सेवन डेज़ का हमने वीकली पैकेज लगाया अब हम नई एंट्री कुछ भी नहीं लेना चाहते क्योंकि जितने लोग हमारे साथ हैं वही खुश हैं बेस्ट हैं और उन्हीं के साथ हम खुश हैं ठीक है दोस्तों क्योंकि आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है और हमें जिन पे फेथ है हम उन्हीं के साथ खुश हैं अब नया कोई भी अगर ज्वाइन होना चाहता है सेवन डेज ये वीकली पैकेज जो अब तक एक बार भी हमसे तीन सौ की टिप्स ले चुका है पर डे और मंथली टिप्स ले चुका है उनका स्वागत है उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है वो एक बार ले चुके हैं तो हमें मैसेज करें हमें पता चल जाएगा उन्होंने लिए या नहीं लिए क्योंकि हमारा रिकॉर्ड हमारे पास सबका रिकॉर्ड है और जो अब नया एंट्री लेना चाहता है उसके लिए पर डे की टिप्स समाप्त हो चुकी है अगर रिक्वेस्ट करें तो हम उसे दे सकते हैं लेकिन हमें ठोक बजा के देखना पड़ेगा ये बंदा कैसा है कैसा नहीं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं आप समझ सकते हैं कि ड्रीम टू सक्सेस वाले सक्सेस को कितनी परेशानियों का और कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है पेट टिप के लिए ये आप खुद समझदार हैं क्योंकि ये रेसिंग का चैनल है कोई नाच गाने का चैनल नहीं है ये कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है ये कोई, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हर कोई कुछ भी वीडियो डाल देता है और लोग क्योंकि यहाँ लोगों का पैसा लगता है यार लोगों को कुछ भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों को कुछ दर्द नहीं होता और आप भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि रीज़न है वो आपको कितनी बातें कर दें चाहे उनका एक घोड़ा बोड़ के नहीं आ दो लेकिन आप दो हज़ार नहीं कई कई लोग उनको देखते हैं और शुक्र है कि ऊपर वाले का कि ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस को बहुत कम लोग देखते हैं और कम लोगों का नुकसान होता है और ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस जो भी टिप्स देता है चाहे एक की दे चाहे दो रेस की दे बोर्ड पर रहती है आज मैं आपसे कड़वी सच कर रहा हूँ क्योंकि दो दिन बचे हैं और आप वीडियो और रेसिंग में अगर आपको सफल होना है तो आपको सारी चीज़ें जानकारी लेनी पड़ेगी अब रही बात जो भी आएगा वीकली चार्जेस पर डे का तीन सौ रुपये है और एक वीक बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस कंटिन्यूस छः दिन रेस है अगर एक दिन भी रेस कैंसिल हुई तो कोई दिक्कत नहीं छः दिन की छः दिन उसके नेक्स्ट की मिलाकर के छः दिन होनी चाहिए छः दिन का चार्जेस पड़ेगा थ्री थाउजेंड रुपीज़ सिक्स डे पैकेज है ये जिसको आना आ जाए पर डे का थ्री हंड्रेड है तो छः दिन का अठारह सौ होता है दो सौ रुपये पेनल्टी है क्योंकि वो आज तक नहीं आया ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस के बाद और पुराने जितने हैं उनके लिए फ्री है वो तीन सौ रुपये दे करके आ सकते हैं और जिन्होंने एक बार भी ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस से टिप्स लिए वो भी मैसेज हमें कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उनके लिए फ्री है क्योंकि ये सच्चाई है ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस बता रहा है वो जितना कर रहे थे जैसे कर रहे थे वो सब फ्री पर जो नए आ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज चौदह महीने हो गए अब बिलीव नहीं किया तो फिर कब बिलीव करेंगे यार रेसिंग में और सबसे बड़ी बात होती है ना ऊपर वाले ने सही कहा कि रामचंद्र कह गए सियाह से ऐसा कलू आएगा हंस चुकेगा दाना गुनका और कौवा मोती खाएगा बट ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस ऐसी चीज़ होने नहीं देगा और रियलिटी यही है कि हम थोड़े में खुश हैं और अच्छा अच्छे मतलब क्रीम पे विश्वास करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों पे बिलीव करते हैं और ऑल आर वेल हैप्पी इन आवर टीम और हम हमारी टीम को एक मज़बूत टीम बनाना चाहते हैं राइट right? और रह गई बात अब जो भी आएगा बोला ना आपको कि थ्री थाउजेंड रुपीज़ लगेगा ये वीकली पैकेज ले 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 सकता है हमसे उसके बाद अगर उसे समझ में आए और हमें समझ में आए वो व्यक्ति तो उसके बाद कंटिन्यूस कर सकता है पर डे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं या फिर मंथली पैकेज भी कंटिन्यू कर सकता है अब इसे कई लोग क्या है बहुत बड़े ईगो एंगल से ले रहे होंगे कई लोग पता नहीं कुछ और ही सोच रहे होंगे और ये सारी बातें मैं सच्चाई कर रहा हूँ अगर आप दिल में झाक के देखोगे ना आपके तो आपको मालूम पड़ेगा व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ और ये सच है यार करोड़ों कमाना चाहते हो आप लाखों कमाना चाहते हो लेकिन आपकी जेब से थ्री हंड्रेड रुपीज़ नहीं निकले पर डे के ये बहुत कड़वा सच है और आप सोच रहे हो तीन सौ तीन सौ में क्या देता बहुत सारे लोगों मतलब।, मतलब फिर मैं उल्टी सीधी बातें करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा आप सोचे बड़ा हीरो बन रहा है बड़ी बातें कर रहा है अरे हमने ये करके दिखाया भाई पॉसिबल करके दिखाया लोग कहते हैं यार हमें सिर्फ ऐसा घोड़ा दे दो जो बोर्ड दे रहता है और दो टिप्स तीन टिप्स दे दो जिनकी बस है यार हम आठ की आठ देते हैं हम नौ की नौ देते हैं हम दस की दस देते हैं तुम्हारी मर्जी जितनी खेलें खेलो ना यार उसमें से चार पाँच गुपै देते हैं ना वो खेल लो सिर्फ अगर आपको दो ही खेलें तो दो ही खेल लो लेकिन तीन सौ रुपये देने के बाद तीन करोड़ के मालिक बनने की सोचते हैं लेकिन तीन सौ रुपये जेब से नहीं निकलते तो यार क्या खाक रेसिंग खेलोगे यार ये सच्चाई है बोलते हैं हम पेटी पेटी हारे गए नाम बोलते हो यार पेटी पेटी का थ्री हंड्रेड जेब से नहीं निकलते और कहते पेटी पेटी के हार गए ये कड़वा सच है ड्रीम के सक्सेस वाले सक्सेस का आप बुरा मत मानना मेरी बात का क्योंकि हम स्पष्ट बिल्कुल सीधा सपाट आदमी हूँ और सच्चाई बोलता हमारा ठीक है हो सकता है पेटी पेटी खेलते हो लेकिन जितना वही है जिसका दिल साफ होता है और दिल में कुछ देने का होता है और कुछ लेने का होता है दुनिया में ऐसे बहुत करोड़पति बैठे हैं जिनका नाम ही नहीं है और दुनिया में ऐसे ऐसे करोड़पति भी हैं जो शिखर पर जा चुके हैं जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है और कई ऐसे करोड़पति जिन्हें कोई जानता ही नहीं है लेकिन उनका उनको इससे क्या फ़ायदा होगा बताया जिसे दुनिया ही नहीं जाने जिसे कोई जाने नहीं अरे कुछ ऐसा कर जाओ जिससे दुनिया आपको जाने यार वैसा काम करो नही को अब सेकेंड रेस सेकेंड रेस अब आप सोच रहे होंगे यार ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस पेट टिप्स के लिए इतना बड़ा फोर्स कर रहा है कोई फोर्स नहीं है भाई मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है रेसिंग है और यह बीस सालों से नहीं कई सालों से रेसिंग चल रही है कोई आज तक जीत के नहीं गया लेकिन आज तक ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस चौदह महीने से जितने लोगों को टिप्स दिया कोई हार के भी नहीं गया इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि दो सौ परसेंट देता हूँ रेसिंग में दो सौ परसेंट सेकेंड रेस ये फिफ्थ क्लास की रेस बना दी मतलब है मतलब अब खाने का चक्कर है मैसूर में भी इसमें स्विस भी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है आना चाहिए रही थर्ड रेस बाकी तो सात रेस का कार्ड है यार पेट टिप्स में भी देने के लिए कुछ छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे मेरी बातों को ऑर्डर में मत लेना यार क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया था आज भी लोग ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस को परखना ही चाहते हैं यार परखने की कोशिश कभी किसी को मत करना यार क्योंकि एक कहानी के बाद एक तीस दूँ अच्छी ये कहानी सुन लेना एक बार एक गाँव में दो बच्चे रहते थे दोनों बड़े प्यारे दोस्त थे छोटे छोटे बच्चे थे एक आठ साल का एक दस साल का क्योंकि मुझे अच्छे लोगों की हर चीज़ अच्छी लगती है और मैं हर सक्सेसफुल आदमी के साथ रहता हूँ ये कहानी शायद आपने पहले भी सुनी होगी बट ये सच्चाई है दो बच्चे रहते थे एक हष्ट पुष्ट था एक बिल्कुल कमज़ोर था दोनों एक जंगल में जाते हैं मतलब कि खेलते 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 दोनों मतलब सभी काम एक साथ करते थे खाना पीना सोना रहना सब एक दिन क्या हुआ दोनों घूमते घूमते किसी जंगल में पहुँच गए गाँव से दूर और दोनों छोटे छोटे थे आठ दस साल की उम्र होगी एक बड़ा मोटा तगड़ा एक बिल्कुल हड्डी जैसा पतला चलते चलते क्या हुआ रास्ते में अचानक से उन्हें पता नहीं चला और जंगल में पहुंचते ही एक बड़ा वाला जो हष्ट पुष्ट बच्चा था वो कुएं में गिर गया अब छोटे बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया उसने इधर उधर लोगों को पुकारने की कोशिश की लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था तो उसे थोड़ा खोजने के पे एक बाल्टी मिली उसमें रस्सी बंधी हुई थी उसने वो बाल्टी को धड़ाक से बिना सोचे समझे कुएं में डाला और उस हष्ट पुष्ट व्यक्ति को हष्ट पुष्ट पुष्ट बच्चे को कहा कि तुम इसे ज़ोर से पकड़ लो मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा उसने जोर से उस रस्सी को पकड़ लिया और इसने जोर से खींचते रहा खींचते रहा खींचते रहा और तब तक, तक खींचता रहा जब तक कि वो बाहर नहीं आ गया अब दोनों जब बाहर आ गए दोनों आपस में गले मिलने लगे और खुश होने लगे दोनों के कपड़े उपड़े फट गए थे थोड़ा खून वून भी आने लगे था लेकिन हष्टपुष्ट बच्चा सोच रहा था कि यार इस कमज़ोर बालक जिसको कि बाल्टी उठाने की ताकत नहीं आज इसने मुझे बचा लिया ऐसा हुआ कैसे चलो कोई बात नहीं दोनों गांव गए तो दोनों ने सोचा कि अब डांट पड़ेगी गाँव जाने के बाद लोगों ने उनकी हालत देखी कि, कि कपड़े फटे हुए तो लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया था कि कुएं में गिर गया था मैंने इसे उठाया मैंने इसे बचा लिया लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने कहा कि तेरे से तो बाल्टी पानी की भरी हुई नहीं उठते तो तू इसे कैसे बचा सकता है कुएं से फिर लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने उस गाँव में जैसे सबसे बड़ा कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना समझदार व्यक्ति सरपंच उसे बुलाया गया और वो जो भी बोलता था सभी बिलीव करते थे तो उससे पूछा गया कि ये जो बता रहे हैं क्या ये सच है तो उन्होंने कहा बिल्कुल सिंपल हंसते हुए कहा कि बिल्कुल सच है वो कह तो रहा है मैंने इसकी जान बचाई है लेकिन आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि ये तो बाल्टी भी नहीं उठा सकता ये इसको कैसे बचा सकता है तो वो जो बहुत समझदार व्यक्ति था जिसकी बातें सभी लोग मानते थे उसने एक बात कही ये बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि इसने इसे बचाया कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ी क्या करनी पड़ी यहाँ जवाब इसका ये है कि जब ये काम कर रहा था ना जब ये इसे कुएं से निकाल रहा था ना, तब वहाँ दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था जो इसे ये बोल सकता था कि तुम ये काम नहीं कर सकते इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जिसको जिस काम को आप कर रहे हो और आप बिल्कुल ईमानदारी से करो तो क्योंकि इस दुनिया में ऐसा होता है जो चीज़ आप करना चाहते हो ना उसके पीछे सौ उंगलियाँ उठती हैं और लोग आपको यही सलाह देते हैं कि आप इसे नहीं कर सकते बट अगर आपका ईमानदारी है सच्चाई है और आपका गोल पे पूरा फोकस है तो आप उस काम को कर सकते हो तो आते हैं रेस नंबर थर्ड पे इस पे कुछ और नहीं दोस्तों कंट्री फ्लैश को खेल लेना और नंबर वन बाकी चार रेस हम पेड टिप्स में देंगे अगर मेरी बातें कड़वी और बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना आई एम सॉरी बेस्ट ऑफ लक अलवे प्लेस इट टीम ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस पेड टिप्स में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करूँगा और हमेशा से दुआ करूँगा कि आप सभी खुश रहें मस्त रहें तंदुरुस्त रहे और आपका दिन शुभ हो थैंक यू अब मिलते हैं पार्ट टू वीडियो में Massive. Thank you.